बेबाक खबर, बेखौफ खबर, सही खबर, सबकी खबर, खबर सब तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सब तक। मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला के रिंग बांध पे हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ सीतामढ़ी जिला में रिंग बांध पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जिसमें एक इंस्टीट्यूट कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है। इस कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स से क्लियर है कि यहाँ फिजिक्स का कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के जो डायरेक्टर हैं वो इंजीनियर जहूर सर हैं। इनके डायरेक्टर जहूर सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। और साथ साथ मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ से कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ से एक लड़का जो रजनीश इसी छोटे से इंस्टीट्यूट से नीट निकाला है, हम उस लड़के से भी बात करेंगे और उनके परिवार से भी बात करेंगे, और वहाँ जहूर सर से भी हम बात करेंगे। देखने में तो काफ़ी छोटा इंस्टीट्यूट है, लेकिन इनका जो मोटो है, जो इंटेंशन है, वो बड़े ही कमाल का है। और इस जिला से, छोटे से जिला में अक्सर लोग जो है अपने बच्चों को अपने शहर से दूसरे शहर भेज देते हैं कि वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये सीतामढ़ी जिला का छोटा देखने में इंस्टीट्यूट तो लग रहा है, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे ने इतना बड़ा नाम किया है। हम उस बच्चे रजनीश को बात करेंगे, उनके माता पिता से भी बात करेंगे। अब मैं रजनीश चंद्रा, मैं इस वक्त सीतामढ़ी शांति नगर में रजनीश चंद्रा के पास आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो उनके डायरेक्टर हैं, शिक्षक हैं, जहूर सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। सीतामढ़ी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं फिजिक्स इन पार्टिकुलर जो है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट है। जैसा कि मैंने पिछले खबर में आपको गुरुकुल इंग्लिश अकेडमी के बारे में बताया था कि वहाँ इंग्लिश के लिए, एक्चुअली यहाँ जो है हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं। अभी हमारे साथ जो है रजनीश चंद्रा जी, मैं अभी शांति नगर में रजनीश चंद्रा जी के साथ बैठा हूँ, और रजनीश चंद्रा जी 2021 में नीट निकाले हैं, जिन्होंने अपनी फिजिक्स की पढ़ाई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स रिंग बांध जहूर सर के पास पढ़ाई की। हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जो है रजनीश चंद्रा जी से बात करेंगे कि आखिर सीतामढ़ी जिला में भी जो है ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर ही नीट निकाले हैं। ये कहने को तो जो है लोग नीट की तैयारी के लिए, जेई की तैयारी के लिए बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ जाते हैं, नहीं, लेकिन यही अपने घर में सीतामढ़ी, सीता माँ की धरती पे भी ऐसा इंस्टीट्यूट है, सीता माँ की धरती पे भी ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने घर में रह के पढ़ाई की है। हम इनसे बात करेंगे, अब तैयारी कैसे की, कैसे क्या हुआ, हम इनसे बात करेंगे, सब कुछ इनसे पूछेंगे, पता करेंगे। सबसे पहले रजनीश चंद्रा जी, इस चैनल खबर सप्तक में आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। रजनीश जी, आप जो है सीतामढ़ी जिला में ही पैदा हुए? नहीं, हाँ, सीतामढ़ी जिला में ही पैदा हुए, और आपने सारी पढ़ाई सीतामढ़ी में ही की। हाँ। आप अपने आरंभिक पढ़ाई से लेके अब तक जो आपने नीट निकाला है, इसके बारे में थोड़ा आप चर्चा करें, बताएं। एक्चुअली थर्ड क्लास से ही ऐसा मेरा ड्रीम था कि डॉक्टर ही बनना है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था मैं डॉक्टर बनने के लिए। और टेंथ तक मैंने NSDAV में भी पढ़ाई की है, और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, टीचर बहुत अच्छे थे, और CBSE बोर्ड से मेरे 94% हैं टेंथ बोर्ड में। और फिर ट्वेल्थ में भी वैसे तो हमारे एग्जाम्स नहीं हुए, पर ऐसा तैयारी हो चुका था कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में पढ़ के। जहूर सर से बहुत पर्सनल गाइडेंस मिला मुझे फिजिक्स में, और केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए भी यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल थे, तो ट्वेल्थ में मेरे काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी थी। वो CBSE की एग्ज़ाम इस बार नहीं हुई, इस कारण से परसेंटेज थोड़ा सा गिर गया, 77% आए मेरे ट्वेल्थ में। उसके बाद फिर 12 अक्टूबर फिजिक्स की पढ़ाई आपने जो है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो है जोर से किया, और तैयारी वैसी हो चुकी थी कि ट्वेल्थ तो पास कर जाते, बट अगर टाइम अगर एक्सटेंड ना होता नीट का, तो इस बार मुझे नहीं लग रहा था कि हो पाता। वो टाइम एक्सटेंड हुआ, एक्स्ट्रा टाइम मिला,
टीचर्स का गाइडेंस मिला, जहूर सर का पर्सनल गाइडेंस मिला जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। प्रिपरेटरी फेज में एक टीचर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो बहुत मोटिवेशन मिला है मुझे जरूर सर से। तो आप ये बताइएगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे गार्जियन हैं, सीतामढ़ी में ही हैं, गाँव में भी हैं, जो अपने बच्चों को अक्सर जो है सीतामढ़ी के बच्चे जो हैं अक्सर पटना चले जाते हैं। जैसे आप यहाँ रह के ये सब चीज़ किया, उन अभिभावकों के लिए क्या कहेंगे? आपके एडमिशन भी जो है विजयवाड़ा में हो चुका है नहीं, उस अभिभावक के लिए क्या कहेंगे? क्या उनके बच्चे अदर जो भी सिटीज हैं, कोटा नहीं, जितने सारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ भेजते हैं नहीं, जबकि आप यहाँ इस चीज़ को किए हैं, वैसे बच्चों के लिए क्या क्या बोलेंगे? वैसे अभिभावकों के लिए क्या ऐसा संभव है कि बच्चे जो हैं कोटा जाके ही पास करेंगे, पटना जाके ही पढ़ेंगे तो पास होंगे, सीतामढ़ी और जो भी जो है इंस्टीट्यूट हैं यहाँ जो भी फैकल्टी की पढ़ाई होती है वहाँ उनकी गुणवत्ता ऐसी नहीं है? अगर गुणवत्ता की बात करें नहीं, तो यहाँ गुणवत्ता तो दिख रहा है कि आपने फिजिक्स की पढ़ाई जो है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स इंस्टीट्यूट से सर से जबूर सर से जो है पढ़ा हुआ, और आप कह भी रहे हैं नहीं, उनके लिए क्या कहेंगे? वो अपने बच्चों को जो है अक्सर पटना भेज देते हैं, कोटा भेज देते हैं नहीं, उसके बावजूद भी उनको कामयाबी नहीं मिलती है, जबकि आप इसी सीतामढ़ी में यहीं पे आप पले बढ़े, नर्चरिंग हुआ आपका, एजुकेशन हुआ, और ये सब यूट्यूब से और फिजिक्स कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो सबसे पढ़ाई करके आपने नीट निकाल लिया है, इस पर अभिभावक को और बच्चों को क्या कहेंगे? एक्चुअली सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबका दिमाग अलग अलग होता है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजें, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि रिजल्ट नहीं ही होता है बाहर जाकर, बट एक पेरेंटल गाइडेंस जो होता है बच्चे के ऊपर से वो बाहर में कहीं ना कहीं लैक होता है, जिसके कारण बच्चे के बहकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक प्रैक्टिकल बात है और ये प्रत्यक्ष है, ये दिखता है। और मेरा ऐसा मानना है कि बाहर भेजे या ना भेजे ऐसा नहीं है कि जगह मैटर उतना नहीं करता है, अगर बच्चा लेबोरियस है तो, अगर बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है तो उसके लिए जगह मैटर नहीं करता, क्योंकि आजकल हर चीज़ अवेलेबल है हर जगह, आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आसपास में अच्छे टीचर्स हैं, आप एक बार देखिए कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है अगल बगल में, रिसोर्सेज आपके अगल बगल में भी बहुत सारे हैं, अगर आप उसका यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं तो बिंगो। और ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे अगर इंटरेस्ट ले तो फिर जगह मैटर नहीं करता है, पेरेंट्स को अपने बच्चों की प्रतिभा को भी देखनी चाहिए, और बाहर भेजे या ना भेजे उन पर गाइडेंस बनाए रखना चाहिए ताकि बच्चा ट्रैक से भटक ना जाए। जैसा कि रजनीश चंद्रा जी ने अभी बताया कि लैक ऑफ गाइडेंस, बच्चे जो है जहाँ भी हैं बच्चे में खुद प्रतिभा होनी चाहिए, नहीं वो जरूरी नहीं है कि पटना ही जाए या घर पे ही रहें, बच्चे अगर अच्छे हैं उनके अंदर प्रतिभा है तो वो अपनी प्रतिभा को अपने घर पे ही रह के कर सकते हैं। फिर रख के सीतामढ़ी जिला में भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहाँ बच्चे आके पढ़ सकते हैं नहीं। और रजनीश चंद्रा जी ने ये भी कहा है कि पेरेंट्स का गाइडेंस नहीं। दूसरी बात, चंद्रा जी ने बताया कि वेयर एवर यू आर, आप जहाँ भी हो, आप जो सोचते हो अपने गोल को अगर इंटेंड हो कि आप जो करना चाहते हो, यू कैन डू एवरीथिंग वेयर यू आर, क्या सर? बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो सकता जो आपको आपके गोल से हटा दे। अगर आप अपने गोल को लेकर पैशनेट है तो डिप्रेशन फेजेस आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आते ही हैं जिंदगी में, लेकिन उससे गोल को अचीव करना हम लोग बंद नहीं कर सकते, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेटेड हर समय रहें, अपने अंदर से ही मोटिवेशन लाइए। यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियोस देखने का कोई मतलब नहीं है, हर दो दिन पे जाकर जो लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं उससे कोई मतलब नहीं रहता है। एक चीज चंद्रा जी आप बताएंगे कि आप जो है फर्स्ट फेज में फर्स्ट टाइम में ही निकाल लिया या दो तीन बार? एक्चुअली मैंने इसी बार 12th पास किया है 2021 में, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा पेयरिंग में ही 611 मार्क्स आए हैं नीट यूजी 2021 में, और इसमें मेरे पापा का, मेरे मम्मी का और मेरे पूरे फैमिली का पूरा योगदान है, मेरा भी है और भगवान का तो होता ही। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चंद्रा जी ने जो है नीट निकाला है, और वो भी अपने घर पे अपने परिवार माता पिता के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम
कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं जहूर सर, उनसे भी हम बात करेंगे। रजनीश चंद्रा जी ने फिजिक्स की पढ़ाई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स रिंग बांध के बाद जो है और इंस्टीट्यूट है जिसके डायरेक्टर जो है जहूर सर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जहूर सर, सबसे पहले खबर सप्तक चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया आप सबका जी। आप जो है जो इंस्टीट्यूट है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ये आप कब शुरुआत किए हैं, कब से पढ़ा रहे हैं? मैं शिक्षा के लाइन से 2011 से ही जुड़ा और 2018 में मैं लौट के जब बाहर से आया, भोपाल से जो लौटा था, तो 2018 में मैंने सबसे डुमरा से शुरुआत किया था। फिर डुमरा में बेहतर हुआ तो मैंने सोचा कि चलो सर की तरफ मूव करते हैं, तो मैं शांति नगर में इंस्टीट्यूट खोला जहाँ मुझे रजनीश मिला और वहीं से हमारी पहचान बनी इस बच्चे से और भी बहुत सारे बच्चे इनके साथ आए, कोचिंग ज्वाइन किए थे। 2019 जब यहाँ पूरा फाइनल किया, उसके बाद 2020 में फिर लॉकडाउन का प्रॉब्लम हुआ, 2021 में मैं जाके बांध पर अपना कोचिंग खुला था। फरवरी 22 का डेट था। कब से पढ़ा रहे हैं आप, ये हम जानना चाह रहे हैं? 2011 से पढ़ा रहा हूं। 2011 से अब तक जो है 11 साल हो गए जी। 11 साल मैंने स्कूल कॉलेज के लाइफ से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ? मेरा स्कूलिंग परिहार से हुआ, सीतामढ़ी जिला की एक ब्लॉक का नाम है परिहार, वहाँ श्री गांधी हाई स्कूल हुआ है और 12th मैंने पटना से किया। जैसा चंद्रा जी ने बताया है, वो पैशनेट थे कि आई बी डॉक्टर इन फ्यूचर एंड ही ट्राइड, राइट नाउ ही सक्सेस्ड, ही गॉट एडमिशन इन विजयवाड़ा। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये पैशनेट था, आप भी पैशन थे कि आप टीचर ही होंगे? जी बिल्कुल, शुरू से मेरा शौक था कि मैं एजुकेशन से ही बीटेक किया, एमटेक किया और कई प्रोफेशन को ज्वाइन भी किया। फाइनली मैंने ये सोचा कि जो सबसे बेस्ट प्रोफेशन है वो शिक्षा ही है और बहुत सारे बच्चे आए रजनीश के साथ ही, बहुत सारे इसके दोस्त ज्वाइन की क्लास, लेकिन मैंने जितना देखा रजनीश में जितना डेडिकेशन था और ख़ासतौर पर उनकी मम्मी पापा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस तरह से उसने अपने बच्चे की परवरिश की और समाज में दिखाया कि बच्चों की तरह से पाला ढाला जा सकता है और उनको सभी चीज़ों से दूर रख के उनको अपने लक्ष्य की तरह डेडिकेट किया जा सकता है, वैसे माता पिता को मेरा प्रणाम है और मैं कहूँगा समाज के लोग उनसे कुछ सीखें। उसके बाद रजनीश भी अपने आप में काफ़ी मोटिवेटेड था, इसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखता, जितना दिन मेरे पास रहा मुझे नहीं लगता है कभी सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, बस ये लगा रहा अपनी तैयारी में। देखिए बहुत बड़ी बात होती है ये, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा 12th भी कर ले और नीट भी निकाल ले, कम मिलता है और ऊपर से छोटे से शहर में रह के, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने भी उसका मदद किया है और उस लड़के ने अपने आप में भी काफ़ी मोटिवेटेड होकर अपना काम किया है। आप अपने कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप फिजिक्स के बच्चों के लिए, जैसा कि अभी आपके इंस्टीट्यूट का एक एग्जांपल तो है कि चंद्रा जी ने जो है वहाँ से नीट निकाला, नहीं तो अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव है, रिजल्ट हैं आपके, नहीं इस पे बच्चों से क्या कहेंगे? कोई अगर बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो इन पर्टिकुलर फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर देखा जाए तो एक तो रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, बच्चों को क्या, अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे इंस्टीट्यूट के प्रति आप? जी सबसे पहले तो यहाँ तो मेंटेलिटी ऐसी है कि फिजिक्स को लोग टफ समझता है, लेकिन सच कहा जाए तो फिजिक्स से बेहतर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ तक कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री उतना मजा नहीं है। फिजिक्स में मैथ पढ़ने का मजा अलग है, फिजिक्स पढ़ने का एक अलग मजा है। और मैं ये कहता हूँ कि इस दुनिया में क्या फ्री है बताइए, आप कुछ भी फ्री नहीं है। आपको अगर सक्सेस होना है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, चाहे जिस रूप में आप कीमत चुकाइए, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी तभी आपको सफलता मिलेगी। और मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा जो फिजिक्स से भागते हैं, वो भागे नहीं, फिजिक्स के मजे लिए, फिजिक्स आप जो भी चैप्टर पढ़े उसको लाइफ में जहाँ गुजरिए देखिए क्या मैंने जो पढ़ा है क्या यहाँ अप्लीकेबल है, आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा। चलते चलते सर एक चीज़ बता दीजिए कि क्या कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के डायरेक्टर हैं आप, ये बता दें कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ गरीब बच्चों के लिए भी कुछ सुविधा है क्या कुछ? जी बिल्कुल, क्या सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बच्चों को फी के लिए बिल्कुल परेशान नहीं करता हूँ और इसके लिए कोई भी आदमी आके मेरे कोचिंग को वेरीफाई कर सकता है। बच्चों को एकदम नॉर्मल अपना पढ़ाई शुरू कीजिए, जिस दिन आपको सेटिस्फेक्शन लग जाए कि हाँ मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आप फी जमा कीजिए, क्षमता नहीं है, गरीब परिवार से है, खासतौर पर जिनके मम्मी पापा नहीं है या पापा नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, उन बच्चों से कहीं फी नहीं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजनीश चंद्रा के पिताजी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। रजनीश चंद्रा जो है सीतामढ़ी जिला में रहते हैं, यहाँ रह के इन्होंने नीट निकाला है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर इस चैनल में आपका स्वागत है। रजनीश चंद्रा जी जो है आपके लड़का जो बगल बैठे हैं, इनको
जिन्होंने जो है नीट निकाला है यहीं रहे। अक्सर जो है सीतामढ़ी से लोग कोटा पटना अदर जगह जो है ऐसा अभिभावक भी भेजते हैं, बच्चे जो है गार्जियन का जो है वहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं होता है, नहीं पढ़ते हैं बहुत, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई वहाँ भी होती है, लेकिन ये एक मिसाल है कि रजनीश चंद्रा सीतामढ़ी जिला में ही अपने माता पिता के साथ रहते हुए इस तरह की पढ़ाई करके जो है नीट निकाला है। इस पे आप अभिभावक को यहाँ सीतामढ़ी जिला वासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए बच्चे कहीं भी रहें सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा स्टडी है, अभिभावक सेल्फ स्टडी करने में उन बच्चे को कितना मदद करते हैं। बच्चा पढ़ेगा तो निश्चित है कि आवर्स जो होगा पढ़ने का आवर्स जो होगा कम्पिटिटिव बेस से पढ़ेगा तो उसके आवर्स ज़्यादा होंगे, और आप कितना उस बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसके स्वास्थ्य का ख्याल आप कितना रख सकते हैं वो जरूरी है। तो बस हमारा समर्थन तो बस यहीं पे था कि इसका तबीयत ठीक ठाक रहे, ये पढ़े, और चूँकि कॉम्पिटिटिव क्षेत्र से मैं भी आया हूँ, मैं अनफॉर्चुनेट फेलियर हूँ, जो मेरा बच्चा निकाला है उसमें हम फेलियर हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स से नहीं था, कम ही मार्क्स से मेरा छुटा था, क्या हमेशा मेडिकल ही छुटा था, तो मुझे पता है हाँ मेरा भी सपना था, सही बात है, और पिता का सपना, हाँ पिता का सपना रजनीश चंद्रा ने पूरा किया। मैं इस चैनल से खबर सप्तक चैनल से मैं उस बच्चा को उस अभिभावक को कहना चाहूँगा कि एक बेटा ऐसा भी है जो अपने पिता के खोए हुए सपना को पाया है, सर बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हम एक चीज़ ये होता है कि फेलियर जो होता है वो थोड़ा अच्छा गाइडेंस होता है, मुझे पता था कि कहाँ कहाँ कमियाँ हो सकती हैं, बस थोड़ा सा अभ्यास, लेकिन सर ये होता है मैंने बस इतना ही किया, लेकिन बाद बाकी इसने मेहनत जबरदस्त मेहनत पैशनेट होकर के मेहनत किया है, और इसने मेरे सपने को अपने हाथ में लेकर बहुत भावुक हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके जैसे पिता हर बच्चे को मिले और गाइडेंस मिले, और इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को छात्रों को बताना चाहूँगा कि बताइए कि पिता का सपना पुत्र ने पूरा किया, ऐसे पुत्र को खबर सप्तक सलाम करता है, शुक्रिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सर का जो गिफ्ट है, जहूर सर का जो गिफ्ट है स्टेथोस्कोप है, देखते हैं क्या है। अब कैसा लग रहा सर? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, वेरी बहुत अच्छा लग रहा है। सर के लिए क्या कहेंगे आप? सर के लिए थोड़ा बोल दीजिए आप, जहूर सर के लिए क्या कह सकते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सच में ये पहनना सपना है ये नशा है, ये एक बार आ जाता है ना, ये नशा है ये। आप जो है डॉक्टर्स जो है आपने जो है एडमिशन भी ले लिया है, भगवान करे अल्लाह करे कि आप सारे सपने पूरे हों, उसमें कामयाबी मिले,